मंगलमैथी स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर फोर हुज नेम इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में अभी तक हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है। हमने स्टडी किया है कि मेटल कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती हैं, बेसिस के साथ रिएक्शन करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ, बेस के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या वाटर के साथ, लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, यानी उनकी स्पीड कम होती है, धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, और कुछ मेटल्स की स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। और कुछ मेटल ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती है। तो अलग अलग मेटल्स की एक्टिविटी या रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। अभी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जिंक जो है वो कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कैसे रिएक्शन होती है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाती है। यानी इसमें क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जो साल्ट सॉल्यूशन था उससे कॉपर डिस्प्लेस हो गई। तो जिंक को ज़ेडन से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर Cu। तो इस प्रकार हम देखा कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, आयरन भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं इन कंपेरिजन टू कॉपर। लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल एक मोर रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर जो है वो जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। तो इसमें ये मेटल्स को एक सीरीज की फॉर्म में रखा गया है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो इन दिस सीरीज मेटल्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें क्या है, जो मेटल्स है वो टॉप टू बॉटम है, वर्टिकल कॉलम में है, अरेंज किए हुए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे मेटल है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन सी है, पोटेशियम है। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, बेरियम को बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम को सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम एम जी, एल्यूमिनियम ए एल, जिंक जेड एल, आयरन एफ ई। इसके बाद कुछ और मेटल्स हैं वो आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें ये बना है। इसके बाद कॉपर, कॉपर को सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मरकरी है, मरकरी को एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद और मेटल्स हैं, फिर लास्ट में इसमें प्लेटिनम, प्लेटिनम को पी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेशियम इस रेंज में सबसे ऊपर है, सबसे पहले आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और सबसे बाद में कौन सी आ रही है, प्लेटिनम पी टी। तो प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो क्योंकि जो मेटल्स हैं वो एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब
पोटेशियम के बाद बेरियम है, तो पोटेशियम जो है वो बेरियम के साल्ट सॉल्यूशन से बेरियम को डिस्प्लेस कर सकती है, बट बेरियम कैन नॉट डिस्प्लेस पोटेशियम फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पोटेशियम बेरियम सल्फेट से बेरियम को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन बेरियम पोटेशियम के साल्ट सॉल्यूशन से पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि बेरियम कम रिएक्टिव है और पोटेशियम मोर रिएक्टिव है। इसी प्रकार से जो हमने मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल दिया था कि जिंक जो है जिंक सीरीज में ऊपर आ रही है और कॉपर उसके नीचे आ रही है, तो इट मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। लास्ट में प्लेटिनम, तो प्लेटिनम कैन नॉट डिस्प्लेस मरकरी फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, बट मरकरी कैन डिस्प्लेस प्लेटिनम फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो जो मेटल इसमें ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो उसके हिसाब से ही एक्टिविटी सीरीज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक और इस सीरीज को आप केयरफुल स्टडी कीजिए, आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास वीडियो भी है, तो वॉच द वीडियो एंड स्टडी द नोट्स, और जो मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहा हूँ आपको भेज रहा हूँ उसको भी आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।